सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल सुबह के 5:05 हो चुका है। हेलो मॉम, गुड मॉर्निंग। 5 बज चुके हैं, तो चलते हैं, हो जाते हैं फ्रेश, क्योंकि मुझे हो जाएगा लेट। क्यों होगा लेट वो अभी बताऊंगा मैं आपको। तो सुबह होने वाली थोड़ी देर में, अभी फ़िलहाल अंधेरा ही है, अभी भी स्ट्रीट लाइट चल रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं अभी अंदर। तो फिलहाल मैं हो चुका हूँ फ्रेश और हो गया हूँ रेडी। तो अभी जाना है पूजा को लेने उसके ससुराल, क्योंकि प्रियस बहुत ज़्यादा मिस कर अपनी मॉम को। और आज चिल्ड्रन डे है और सेलिब्रेशन पार्टी भी मनाना है। मैं इतने सुबह सुबह इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, यहाँ से कम 52 किलोमीटर हैं और 9 बजे के बाद या 9:30 बजे के बाद रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 9 बजे तक या 9:30 बजे तक घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि आज चिल्ड्रन डे है और उसका सेलिब्रेशन करना है। तो 10-11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा हमारा चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन और करेंगे फुल मस्ती और फुल इन्जॉयमेंट। तो फिर चलते हैं अपने बसंती के पास और बहुत ज़्यादा ठंड भी होने वाला है। तो मेरी प्यारी मॉम कर चुके चाय तैयार, पीते हैं उसको अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो हो गया हूँ रेडी, हो चुका मेरा बैग पैक, अब चलते हैं बाहर, देखते हैं नज़ारा। ओके मम्मी, बाय बाय बाय। आस्ते आस्ते चलाना भाई, तेज मत चलाना। ठीक है मम्मी, बाय। तो सुबह सुबह लोग उठ चुके हैं, कर रहे हैं जॉगिंग एक्सरसाइज ताकि फिट रह सके, और वैसे भी ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सुबह सुबह जाने का फ़ायदा ये होता है कि ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता, खुला रोड होता है, तो आसानी से आप कहीं भी जा सकते हो। तो अभी मैं ठीक 8:16 यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो फाइनली आ चुका अपने सिस्टर घर। और पूजा कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक हो? चलते हैं फटाफट से और फिर घर जाके करते हुए नाश्ता, और जल्दी पहुँचना भी है क्योंकि 10 बजे के बाद स्टार्ट करना मुझे। तो ये है मेरी नानी। हेलो नानी, कैसे हो? ठीक हो आप? तो चलते हैं यहाँ से अब नानी के घर से। बाय बाय नानी। बाय बाय। तो चलते फटाफट, और मुझे हो रहा है बहुत ज़्यादा लेट। ओके नानी, चलता फिर। हाँ लगू। तो अभी मैं घर तो पहुँच गया था, अब जाता हूँ लेने सामान, क्योंकि अभी पार्टी के जो सामान थे, बर्तन थे, वो लेने जाने हैं। फटाफट से चलते हैं और लेके आते हैं। तो फिलहाल अभी सब आ रहे हैं, सब बच्चे आ गए हैं, अभी आए तो नहीं, अभी और आ रहे हैं अभी। तो चलते हैं फिर बर्तन लेने। चले बर्तन लेने। yes, चलते हैं बर्तन लेने। ठीक है। तो अभी मैं आरती के यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। तो आरती, हाउ आर यू? फाइन। मम्मी कहाँ पर है? मम्मी मंदिर गए। तो आगे हमारे वीर जवान, सो क्यूट है। तो आज कैसा रहेगा फिर? आज आएगा मजा कुछ? मैं सैफ बन जाऊंगा, मेन सैफ। अरे भैया। तो पीछे प्रिया एंड काजल। तो शुरू हो चुकी है कटिंग, अभी आराधना भी स्टार्ट हो चुकी है कटिंग के लिए, और मानसी भी जोर शोर से लग रही है, हो रहे हैं तैयार। अभी फिलहाल कट रहे हैं अभी सब्जियां, सॉरी टमाटर है, टमाटर द रेड रेड टमाटर। अक्षिता भी हाजिर है। तो प्याज की हो रही कटाई, काजल प्रिया एक्सपर्ट भी आ चुके हैं। यहाँ पे लोग सिलेंडर निकाल रहे, ट्राई कर रहे हैं, ऑक्सीजन मास्क बोल रहे हैं। सर बोल रहा चावल में थोड़ा पानी डाल। क्यों जितनी घर पे मेहनत नहीं करता जितनी यहाँ कर रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से। अभी बंद कर दो। हाँ कैमरा सही है। चावल ही रहेंगे। रोहित, सॉरी नाम मिस्टेक। सिलेंडर, हाँ नहीं अभी और लगेगा ना पानी। प्याज काट रहे हैं हमारे होनार बच्चे, अक्षिता, आराधना, प्रिया, मेघना।
पंचायती है। ये हमारे यहाँ फूलों में भी डाल रहा है जो पानी बचा है। बहुत अच्छे फ्रेंड्स ऐसे ही मानो ताई जी आ गए, ताई जी भी हेल्प कर रहे हैं, दीदी भी आ गई थी। और लेकर आ जाओ पानी प्रिंस। यस सर। ऑन कर दो। अभी हमारे चावल बनने के लिए जा रहे हैं। गरम हो रहा है वो, बस सही फवारा निकल रहा है हमारा, देसी फवारा। ये इनके कपड़ों में पता नहीं क्या क्या चिपक रहे हैं, ये सब लगे हुए हैं। आराधना होनार स्टूडेंट है यहाँ पे इस ट्यूशन की। अक्षिता वो खाली प्लेट लेके घूम रहे हैं वहाँ पे मिर्ची की, बोल रहे जो मानसी छोले उबल गए हमारे, ये देखो उसमें उबाल आ रहा है। बीबी के बॉडीगार्ड मतलब ट्यूशन के बॉडीगार्ड, ये देखो ये इसको करछी दे तो लागे बेचारे को, ये बहुत काम कर रहा है हमारा। सिब्बू कुकर वाला, ये सिब्बू को कुछ ज्यादा ही लग रही है कि छोले भी खाऊंगा बैठ के। हो गया ये अच्छे से हो गए हमारे, सही हो गया। हंसो बहुत हंसो आराधना। ये पानी हमारे टमाटर, ये टमाटर प्याज बेच रही है। ये हमारे हीरो कैम्बो राइडर, ये हो गया। चलो ज्यादा मत खोलना गैस का, देखते कितने बन गए हमारे चावल, मतलब गर्म हो रहा है अभी तो एक उबाल के लिए। एक जानता रही मेरे को प्रियस भी आ चुका है। हेलो प्रियस, थोड़ा धूप में आना, जरा दिख नहीं रहा गोरा, अब दिख रहा है गोरा। करो टंग दिखाओ। ये गेम खेलते हुए ये नानू, अरे बाप रे भूख लग रही है उसको बहुत ज्यादा। ये मम्मी को देख के बहुत ही खुश हो गया अब, क्योंकि इसकी मम्मी आ चुकी है। प्रिया इधर देखो नानू जी, ले भाई ले, तू भी आएगी। तो पीछे भी चल रही है खाने पकाने का प्रोसेस, और यहाँ पर ये कर रहे मस्ती यहाँ पर हुआ है। प्रिया अपना कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। अब यहाँ पे ये लोग सब खाना बना रहे हैं, और रोहित आलू छिल रहा है। शिवांग खाना बनाएगा आज सबके लिए, शिवांग शेफ है आज का। और ये रहे हमारे छोले, यहाँ पे रोहित ने आलू छिल दिए हैं, और यहाँ पे हमने सब्जियाँ भी काट दी है। तो जी आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या डालना? काजल शेफ। प्रियस भी आज खाना बनाएगा, चिल्ड्रंस डे की पार्टी। खाना बनाने वहाँ पे नहीं जाने की, पर बना खाना अबे खोल ले कि बनाएंगे। काजल थोड़ा एक्स्ट्रा बच्चे भी आ रहे हैं हमारे साथ, तो हो रहा भी हल्का फुल्का डांस हो। ये नाचते हुए दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या रहा तू? तो काफी एंजॉय। ठीक है yeah.
तो फिलहाल अभी तो छोटे बच्चे का हो चुका है खाना पीना, अब हम बड़े बच्चों का रह चुका है, अब करते हैं हमें खाना पीना, थोड़ा सा करते हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खा रखा और जो इधर ये क्लास के बच्चे इन्होंने भी बिल्कुल कुछ नहीं खा रखा है, बहुत भूख लग रही है। तो चलते हैं अब खाना खाते हैं। तो पार्टी तो हो चुकी है ख़त्म और चिल्ड्रन सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छा रहा, सभी ने इंजॉय किया। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज मैं आपको ले चलूँगा छोटी दिवाली जी हाँ जो गढ़वाल में मनाया जाता है। तो अभी मैं ले चलता हूँ आपको राजावाला जहाँ पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है दीपावली, छोटा दीपावली जिसको हम बोलते हैं इकास दीपावली, तो इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं बूढ़ी दीपावली। जी हाँ, उत्तराखंड के गढ़वाल में इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसे मनाया जाता है दीपावली के 11 दिन बाद, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है महादेव सिंह भंडारी जी के स्वागत के लिए। फिलहाल तो देखते हैं कि ये त्योहार को कैसे मनाया जाता है और दिखाते हैं आपको इसकी हल्की सी झलक। गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर देना और हाँ अपना यूं ही प्यार और सपोर्ट मुझे यूं ही देते रहिएगा। तो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में।